गाजियाबाद के एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को 15 नवंबर की रात चार्ज संभाल लिया। जिले में पहुंचे नए एसएसपी ने बताया कि क्राइम कंट्रोल के लेके उनके पास कुछ प्लानिंग है, वह किसी दूसरे कामकाज पर कुछ नहीं कहेंगे। उपेंद्र से पहले सहारनपुर में एसएसपी थे। 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी उपेंद्र को वैभव कृष्ण के स्थान पर यहाँ लाया गया। गाजियाबाद के नए एसएसपी उपेंद्र कुमार जी का 24 टुडे चैनल पर स्वागत है। गाजियाबाद के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं पब्लिक पुलिस की प्रायोरिटी बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रायोरिटी है क्राइम कंट्रोल है। प्रत्येक दशा में अपराध पर नियंत्रण हो, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएँ, होने नहीं चाहिए, अगर होते हैं तो उनको इमीडिएट डिटेक्ट किया जाना चाहिए, अपराधी चिन्हित किए जाएँ और उनको तत्काल जो है डिटेक्शन के बाद में भेजें, उनके और भी जो सख्त कार्रवाई होती है वो की जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स में भी हम जो है जेल से छोटे अपराधियों की निगरानी हो, पुराने जो गैंग्स हैं उनको चिन्हित करके उनको खोजा जाए, उनकी देखा जाए वो एक्टिव हैं नहीं है, इन सब चीज़ों को हम लोग ये सब स्टेप्स हैं जो क्राइम प्रिवेंशन में काम आते हैं, जिनको हम लेते हैं और हम यहाँ पर वो कराएंगे। सर, अभी गाजियाबाद में बहुत बड़ी लूट हुई है, लोगों को आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, आप इसके लिए क्या बोलिए? ये 3 घटनाएँ हुई हैं यहाँ पर, इसके संबंध में मैं ज्वाइन करने के बाद हमने पूरी टीम को बुलाकर मीटिंग भी की है और सीनियर अधिकारियों ने डीजी हेडक्वार्टर ने भी संज्ञान लिया है और इस मामले में डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है, घंटे घंटे में हमसे पूछा भी जा रहा है और हम लोग इसमें लगे हैं। जल्द खुलासा होगा, इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं, टीम बाहर से बुला रहे हैं तो जल्द ही हम इसमें 24 टुडे चौधरी से सदर चौधरी का देते हैं।